थोड़ी देर में खाने के बाद अंजलि जाने वाली है, तो अपनी गोल्डन ज्वेलरी पहन रही है सारी। मम्मी इतने मम्मी थोड़ा मुड़ी मुड़ी कर, थोड़ा नीचे नीचे वाले उसको नीचे कर, मम्मी इसको थोड़ा नीचे कर दे, दोनों को एक साथ मत पहनाओ। चलो खाने वाले चले गए, तो वहाँ पे जो भी लड़के वाले हैं हाँ वो खाएंगे ना, कोई बात नहीं, साथ में भी खा सकते हैं, तुम भी खा सकते हो साथ साथ। लड़के वाले खाना खाने जा रहे हैं, तुम लड़के लोग जाओ उनको खाना खिलाओ यार, नीचे जाओ, सुनो जाओ रे उनको खाना खिलाओ नीचे, तुम लोग अंदर बैठे हो। तो मम्मी अंजलि को गोल्डन ज्वेलरी पहनाई, अभी तक भी पहनी हुई थी वैसे उसने, क्या मतलब उन्होंने जो दे रखी है ना वो वाली उनकी वाली पहना दो, उसने नथ वगैरह तो पहले से पहनी हुई थी। ये इधर चमक से कहाँ से आ रही है, ये चल देखा नहीं, इस पे लगी हुई लाइट देखा मम्मी, मैं बोल रही लाइट चल कहाँ पे नहीं, देखो लाइट लगी। अंजलि अंजलि ते बैग जो मैं इयररिंग्स वगैरह से, अंजलि को बता देना कमेंट करके, अंजलि कमेंट देखेगी कि उसके बैग में जो मेरी इयररिंग्स हैं उनको घर ला देना वापस, ठीक है, मैं सैक्रिफाइस नहीं करूँगी बिल्कुल, क्योंकि हाँ हाँ ते गौरव को बता रहा मैं तो सूट हूँ बिल्कुल पसंद नहीं क्या। हाँ मैं खाती हूँ क्या, बाकी लौंडे लोग आ रहे उनको बुलाओ, खान खाओ खा तुम खाओ, जा भाभी आप बोन आई हूँ तुम्हारे में, यूँ तो इन बुरी तरह इनका। तो अभी अंदर सब लोग खाना खा रहे हैं और मैंने थोड़ा बहुत सर्व कर लिया, मतलब दूल्हा दुल्हन और लोगों के लिए। मुझे ना मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, अब मुझे बिना खाना खाया मतलब अजीब सा होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, एक होता है ना एनर्जी सी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। तो अब जैसे ये लोग खाना खाएंगे तब खाऊंगी मैं भी। हाँ भी बैठ रखी थी ससुराल वालों के साथ में, कह रहे थे मैं मेरे को मैं बैठो, मैं कहा तुम बैठो मैं बैठो, एक ही बात है। तो बोल रही हूँ आप तो इनको फैशन से खाना पड़ रहा है, है? हाँ वही तो यहाँ पे हमारे यहाँ वैसे भी यहाँ पे सारे ससुराल पक्ष वाले हैं सामने सामने आए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं सब ससुराल पक्ष के हैं, खाली भाभी हम लोग हैं घराती घराती बहुत आनंद रहा, बहुत मजा आया यार। कैसा हो रहा है भाभी खाना? मस्त यार, बहुत शादी भी बढ़िया तरीके से निपट गई, इतने दिन से टेंशन हो रही थी शादी शादी, घर में हो कहीं भी हो शादी की टेंशन तो हो जाती है, इतने दिन से हम लोग जो झुरझा कुर्सी में लगे रहते ना, चाहे कहीं भी हो तैयारियां तो चाहिए ही बहुत सारी, तो चलो अब निपट गया और शांति हो रही है, शांति मिली। देखो कैसी लग रही मौसी, कैसी और मौसा जी हाँ मौसा जी अच्छे हैं गंदे वही तो मौसा जी अच्छे हैं या मौसी बता बताओ दोनों अच्छा अभी तो सिर्फ रसम पढ़ के भरे पंडित जी, वही तो पंडित जी ने इतनी कसमें दिलाई इनको, कसमें दिलाई याद है यार, हंस भी रही थी पता है उसमें कुछ ऐसी कसम थी कि फैशन कम करूंगी मैं, और क्या क्या था क्या बैंक बैलेंस कम नहीं करूंगी, हाँ वही तो हाँ ऐसी ऐसी कसमें खाई थी नहीं, ये मैंने नहीं सुना, कह रही ये कसम मैंने नहीं खाई, तो बस सोच ले मैं वो बोलने वाली बात है, ये कह रही ये मैंने नहीं सुना, ये मैंने पढ़ा ही नहीं। मामा सुना दो गाना, मामा जी इन बोले बद्रीनाथ के नन्नी के देगा साक्षात दर्शन होना सामने, मामा जी गाना गा से बीजेपी का हाथों का ये माथा खे के दीवाल मेरो पिया होरी को खिलैया भरी मुट्ठी मारे गुलाल मेरो पिया
होरी को खिलाई। वाह 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 वाह, तालियां बनती है। गजब। कैसी लग रही है अंजलि? अंजलि हाँ, नेपाल की कांदी है जौनपुरी। अंजलि आज उतनी भी अच्छी लग रही जैसे लगती है, है ना? तुम भी करे सच बोनु तेरी माया का क्या अच्छी लग रही। मैं ये कह रही थी कि अंजलि और दिन ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब है ना, मतलब उस हिसाब से, क्योंकि कहते हैं कि मतलब जितना करो उतना वही होता है क्या। हाँ, नेचुरली ज्यादा अच्छा लगता है और दिन ज्यादा अच्छी लगती है। ये बहुत सुंदर लग रही है, दिल मायूस मत करो लास्ट में। पर मैं ये कह रही हूँ जैसे, पर फोटो तो आई गई होंगी अच्छी। अंजलि को पहले चिंता हो रही थी कि मेरी फोटो खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, आज इतने सारे कैमरा है और उसकी दोनों कैमरे से अच्छी अच्छी फोटो आ गई, वहाँ वाले से भी, यहाँ वाले, तो उसका मन तृप्त हो गया। यूट्यूबर भी हाँ, वही तो लोग कहते थे ब्लॉगर इतने ज्यादा हो रखे हैं, सच में हो रखे हैं। 20 लोगों में से 20 लोग अगर शादी में शामिल तो 10 तो ब्लॉगर ही है क्या? वही तो आज जैसे हम लोग ना शादी साउथ वालों की शादी होती थी तो मतलब उनके यहाँ होता था ऐसा लुक, मतलब उनको देख के लगता था मुझे ऐसा। आज मैं अपनी वीडियो जब चेक कर रही हूँ ना वीडियो बनाने के बाद, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे साउथ में नहीं होता ऐसे लोग, मतलब मोटी मोटी भी मैं उन्हीं की तरह हूँ और कपड़े भी सेम ऐसे ही पहनते हैं। चीज़ें करने को इतनी ज़्यादा हो रही है ना, अंजलि बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ इस पर, ठीक है? उधर हम लोगों को सस्पेंड लगाना है। और अब मैंने ना साड़ी चेंज कर ली है, अब मेरे को इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। लगा दी बिंदी, इसने अभी तक बिंदी नहीं लगा रखी थी यार। तो यहाँ अंदर हमारे लोग हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये सामान है, ये क्या है? बलडाली। वाह, अब बलडाली ऐसे आ रही है मम्मी, ये लो। क्या क्या बोलते हैं इसको, बलडाली टोकरी, हाँ, जिसमें वो होते हैं फ्रूट्स, काजू बादाम तो आई रखेंगे। ले सारे अपने, हम लोग थोड़ा सा देर में जाने वाले हैं, विदाई होने वाली है, तो सब लोग अपने अपने कपड़े पैक कर रहे हैं यहाँ पे। और मम्मी मम्मी गेस्ट किस रूम में? तो सारे वो दूसरे रूम में है, मैं जा भी नहीं पा रही क्योंकि मुझे वहाँ पे जाने में, लड़के वाले सब एक रूम में है, तो मुझे शर्म आ रही है वहाँ पे जाने में। दिखाऊंगी कैसे आपको, क्योंकि मैं जाऊंगी तो मुझसे सवाल पूछेंगे इस पे। मतलब सुबह जब मंगल स्नान हुआ था अंजलि का, तो इस पे कुछ बैठी थी वो शायद, या फिर कुछ और दूसरा। मम्मी अंजलि इस पे बैठी हुई थी सुबह, तो ये हम लड़के वालों के यहाँ देंगे अब। तो अभी उनके जाने की तैयारी हो रही है, तो मम्मी लोग पैकिंग करने पर लगे, उनको सामान होगा जो भी जाता है वहाँ। और बाकी ये बलडाली मिठाई और ये सारी वहाँ से आ रखी है। तो फिर अब टाइम आ गया है विदाई का, तो हम लोग लास्ट मतलब मिठाई वगैरह लगा रहे हैं, तो मम्मी लोग जा रहे हैं। चलो आओ, तो मम्मी लोग मिठाई लगाने जा रहे हैं नीचे। चलो 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 चलो। तो अब विदाई का समय आ गया, तो इसलिए हम लोग अंतिम समय पे जो मिठाई वगैरह लगती है। क्या मम्मी यार, एक घंटे जब तक लिफ्ट आएगी मामा जी, तब तक हम नीचे पहुंच जाएंगे। आओ, हम लोग फर्स्ट फ्लोर में ही हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर लिफ्ट आ रही है, तो ये लोगों को लिफ्ट में जाने में इतना टाइम लगता है। क्यों मामा जी, ठीक बोला ना मैंने? बहुत बढ़िया, वही तो, अति सुंदर। यस, आओ। चलो ये हम बैठे ना, ये कौन बैठे हम? ले जा ले जा, तो अंजलि का सूटकेस भी जा रहा है, ए उल्टू कौन ही वजह, तो मैं उसके सैंडल लेके जा रही हूँ। हेलो मैन, कौन कैमरा पता नहीं है। देखो अंजलि मौसी का सूटकेस, अरे पेरी के लिए जो सैंडल वे वो क्या था नहीं कोहरे वाला, वो भी पेरे अच्छे। अच्छा ठीक है, चलो तो अंजलि का सूटकेस भी चले गए यहाँ से। चलो मैचिंग मैचिंग, ए भेर को जानी आ जा मौसी जान लगी, आओ कहाँ से आ रहे हो?
यार भाई इनको देखो यार कौन अकेले हम तीनों यार आ जाओगे नीचे ठीक है फर्स्ट नंबर ठीक है फ्रॉक फ्रॉक साइड में मत लगाना चलो आओ तो अंजी का सूटकेस भी नीचे चले गया तो फाइनली बारात जा रही है और ये दो चार गाड़ियां थी उनकी कहाँ पे तो सारी बारात इस तरफ आ गई है और मैं उधर ढूंढ रही इनको सैंडल लेते हैं वो हाथ ले अच्छा ये जूता जूता मनो चलो वो इधर पे जा हाँ यू सैंडल नहीं लाने पूरा क्या अभी अंजलि पूछ रहे कब आएगी क्या क्या गाड़ियों का काफिला हाँ भाई तो और कुछ हो ना अंजलि की गाड़ियों का काफिला काफी आ रखा है यहाँ से लेके मतलब हर कोई गाड़ियाँ काफी हैं अंजलि बोली कितने मैंने कहा और कुछ हो ना वो गाड़ियों का काफिला बहुत ज्यादा आ रखा है हाँ भाई तो हाँ भाई तो अंजलि की फेवरेट गाड़ी है स्कॉर्पियो तो बहुत सारे लोग ना शादी की वीडियो कहे नए लोग भी देखते हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग कौन है हम लोग हैं डॉन हूँ मैं तो हम लोग तीन बहनें हैं सबसे बड़ी ये है ये मेरी बड़ी बहन है उसके बाद ये है इसकी शादी है आज उसके बाद मैं हूँ नाजुक सी कली चलो कनेक्टेड है अंजलि चाह रही थी कि मैं स्कॉर्पियो में खुशी खुशी बाय बाय ऐसे होना चाहिए खुशी खुशी आगे का जीवन ऐसे रहे तुम्हारा खुशी खुशी उधर से पापा पापा को देखो पिठाई की थाली लेके जा रहे जो जो बचेगा सब पिठाई लगा मैं बोला गे आप भाई सब पला गे सब पला गे चलो बाय अंजलि अंजलि सारे बर्तन मैं धोऊंगी अन भंड बाय 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 चलो गरम भी नहीं होया एसी है एसी है मां गाड़ी गाड़ी भी ऑन बाय चलो बाय 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 कर दो चलो भाई खुश रहो गिरो और ये भी अपनी भाई भी अपनी ठीक है भाई बेटा दीदी का नाम है खाली मार परम में चलो ठीक से तो है ठीक अरे मैं नाराज है आप हम उठ उठना रहा तू ना बबली तो अंजलि लोगों की गाड़ी सबसे पहले निकल गई दूसरी तीसरी और चौथी गाड़ी निकल रही है बाय बाय ठीक है ठीक आ जाओ बाय हाँ जरूर जरूर ठीक है शादी में मिलेंगे तो बाय ठीक है बाय बाय भाई पकड़ो पकड़ो अरे भाई पकड़ो पकड़ो बोल पकड़ो पकड़ो तो
भाभी लोग भी जा रहे हैं और आज तो मुझे कुछ अब इतना हो गया ना, सुबह 4 बजे से उठे हुए, अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं आ रही मेरी, मतलब बहुत काम करा सब लोगों ने, बहुत ज्यादा काम करा गया। वही तो तुम्हें तो इतना मतलब कपड़े भी चेंज करे, इतना तैयार भी हुए, दीदी का मेकअप भी करा, इतना वही तो अब व्लॉग भी बनाने हैं, आप व्लॉग भी बनाने हैं और चीजें भी दिखानी है, तो बहुत मुश्किल सा है। इतना गर्म हो गया ना, मैं बिना चप्पलों के आ रही हूँ। हाँ चलो, तो भाभी लोग भी जा रहे हैं तो मैं अभी उनको भेजने के लिए आ रही हूँ। भाभी जा दूर तो उन्हें हिम्मत तो छे नहीं मीपा तो तुम तक थकान लगी है यार, यार ना। और बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छे रीति रिवाज से यहाँ पर शादी संपन्न हुई, सच में बहुत अच्छा लगा। और मोनिका चल फिर तब मिलता हम बाद में, हम तो मिलते रहेंगे, पर तो मिलते रहेंगे। अंजलि भी चलेगी हमारे दगड़े दगड़े भी चलेगी और चीज में, तो अंजलि को भी लेके आओ, कोई बात नहीं, तो ससुराल से ही बुलाएंगे, बुलाएंगे ससुराल जाएंगे, पास ही है, ससुराल जाएंगे, ससुराल ही जाएंगे। चलो चलो आजा, अब मेरे को बहुत ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं आ रही है। अगर आपको आगे का ब्लॉग बोरिंग लगेगा कि मैं कुछ बोल नहीं रही और एक्टिवनेस नहीं है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी आप लोगों को मेरा ज्यादा बोलना पसंद भी नहीं है, वो हमेशा ही बोलते रहते हैं कि बकड़ बकड़ कर रही है, बोल रही। चलो लिया भाभी, तो भाभी देखो, भाभी के पति को इसने कहा, भाभी के पति को इसके बच्चों ने कहा कि कितना मोटा है, कि मेरे पाव भी ऐसे ही मोटा है। तो ये कह रहे हैं कि देखो इसके पापा ने इसके हस्बैंड मतलब मेरे जिया जी, वो तो इतने मोटे हैं, भैया की तरह थोड़ी है वो, भैया तो फिर भी कम है, भैया तो कम है, देखो भैया तो नॉर्मल है, इतने ही होते हैं भैया, मोट भी नहीं मोटे वाले, डबल ट्रिपल तुमसे। हाँ ठीक है भाभी, ठीक है, ओके बाय बाय। चलो तो बाय बाय। एक एक करके सब लोग निकल गए, मतलब अंजलि के ससुराल वाले भी चले गए, भाभी लोग भी चले गए। दे दे पानी, कुछ चीज छोड़ी है ये। तो अब हम लोग भी चलते हैं, अब कल परसों में ये भी चली जाएगी, कल के लिए, कल जाना है मेरे को, आज गाड़ी की बात करनी है। हाँ। कल कितना है, कल डेट क्या है, 13 और 14 को मैं भी चली जाऊंगी। यूं तो जो गुजरो सब लोग अपने ससुराल जा रहे हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, मेरी यार एक जोक था मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे अंदर का स्टूडेंट मर चुका है इतने दिनों में। और ये मेरे लिए गहने बनाए हैं, मतलब अंजलि ने ये मेरे लिए बनाया है, इसके अंदर है अंगूठी, हाँ तो ये मेरे लिए गिफ्ट है, मुझे मिला गिफ्ट। तो वैसे ही इनके लॉन में काफी अच्छा, ए शुभी है, तो वैसे यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी लोकेशन है फोटो खींचने के लिए। और यहाँ पेड़ में कुछ लगा हुआ है, ये पता क्या चीज है, ये पता क्या क्या चीज है, ये देखो, ये देखो, ये मैं इसको निकाल के, चीकू नहीं है, एक दूध की खीर बनाने का मन, चीकू नहीं है, ये पता क्या है, लोहा काट शायद,